चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, जो हमारे पोजिशनल और जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं सर, उनके लिए आज क्या है और कौन सा स्टॉक आज आपकी फोकस में रहने वाला है सर? जी तो देखिए, आज मैंने कोशिश किया है कि दो स्टॉक्स दूं। देखिए, रेणुका शुगर को देखिए, जी लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो शुगर बिजनेस से 92% का रेवेन्यू आता है। चौथी लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर। और आप देखिए तो एक इनका जो ब्रांड है मधुर शुगर, 50% ब्रांडेड सेल वॉल्यूम लेकर के आता है। डिस्टिलरी सेगमेंट अगर आप देखें तो 4% का वॉल्यूम है केवल Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में। गिरता हुआ दिखाई दिया YOY बेसिस पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो करीब 156 मिलियन लीटर्स के आसपास लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहा है। 2 साल में गिरावट दिखी है क्योंकि प्रोडक्शन इथेनॉल के प्रोडक्शन जो जो 1G कैटेगरी का इथेनॉल होता है, जो शुगर केन जूस और मोलेसेस से बनता है, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है इथेनॉल की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ऑपरेशनल रेवेन्यू 13% फर्स्ट क्वार्टर में सिक्वेंशियली गिरते हुए दिखाई दिया। और अगर आप देखेंगे तो 30 जून को जो जो करंट लायबिलिटी असेट एंड लायबिलिटी का जो डिफरेंशियल है वो करीब 16,000 करोड़ के आसपास, लगभग माफ कीजिएगा, लगभग 1,614 करोड़ के आसपास का है। मतलब लायबिलिटीज कहीं ना कहीं बुक पे ज्यादा है। और अगर लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो 30 जून को लगभग आप देखेंगे तो 141 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। नेटवर्थ कंपनी के नेगेटिव है करीब 280 करोड़ के आसपास से। अब देखिए हुआ क्या है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के अंदर बन रही है। तो वहां पर आप क्या करें कि ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको मिलेगा श्री रेणुका शुगर में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर चलना शुरू करेगा, मुझे लगता है जो ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक का वो करीब आया है 54 रुपए के भाव के आसपास। तो ये 54 रुपए का भाव जैसे ही इसके ऊपर चलना शुरू करे आप खरीदिए। 52 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 57, इसके बाद 61 और 68 के टारगेट के लिए। आपको करना क्या है, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ सर, प्लीज स्टॉप लॉस 50 फॉलो कीजिएगा स्टॉक के अंदर, बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिएगा। 2 रुपए का स्टॉप लॉस और बड़े ऊपर की तरफ टारगेट्स हैं। देखिए अच्छा खासा 5:1, 6:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो सिर्फ 52 रुपए के स्टॉप लॉस से आप करंट भाव पर खरीदिए इसको। 57, 61 और 68 के टारगेट से इसको आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल दूसरा स्टॉक अगर आप बिल्कुल अलाउ करें तो सर एक स्टॉक और मैं देना चाहता हूं। शरद सर, बिल्कुल जी तो देखिए अंबर इंटरप्राइजेस को देखिएगा। अंबर इंटरप्राइजेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। लास्ट वीक में बहुत अच्छा मूव स्टॉक के अंदर बना था, स्टॉक गिर गया था, अब स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा रिवेन्यू करीब 2400 करोड़ का क्लॉक हुआ था। 14% YOY ग्रोथ देखने को मिली थी। ऑपरेशनल एबिटडा देखें तो 45% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेगमेंट है यहाँ पर करीब आप देखेंगे तो YOY बेसिस पर करीब 50% के आसपास ऑपरेटिंग एबिटडा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। कैसे, अगर आप देखेंगे तो जो रूम एसी बिजनेस है वहां पर इनको 50% अच्छी वेदर कंडीशन थी, काफी गर्मी रही इस साल, तो 50% इंक्रीज आया इनको रूम एसी बिजनेस में दिखाई दिया। नॉन रूम एसी में भी 40% की ग्रोथ दिखाई दी। वॉशिंग मशीन में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है रेजुजेट के साथ, जो जिसका प्रोडक्शन Q3 इस फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा। 4-5 कस्टमर्स भी ऑन बोर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं जहां पर इनको सेल मिलती हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से करीब 16% का रेवेन्यू क्लॉक होता है। यहां पर भी आप देखेंगे तो इबिटा करीब 7.5%, 7.7% के आसपास रहा है। इनको लगता है 30 बेसिस पॉइंट और इस फाइनेंशियल ईयर में इनको ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। डिफेंस प्रोडक्ट्स और एक्सपेंडेड डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो इनको अच्छा ऑर्डर मिलने लगा है। रेलवे सिस्टम्स और मोबिलिटी में भी 4% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूजिन मशीनरी के साथ इन्होंने कपल्स गियर और पेंटोग्राफ्स के लिए एक टाइप किया है, जो Q4 से ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्डर बुक यहाँ पर ऑलरेडी 2,000 करोड़ के आसपास की है। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर में भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं और स्टॉक ऑलरेडी अच्छे से पोजिशन हो चुका है, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 4600 रुपए का, 4800 का भाव है। 5100 और 5500 रुपए के टारगेट के लिए, 7% और 15% के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस प्लीज बिल्कुल ऑनर कीजिएगा। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ स्टॉप लॉस के नीचे होल्ड मत कीजिएगा। आपको लगातार कॉल्स मिल रही हैं, ये बाजार ऐसा नहीं है जहां पर स्टॉप लॉस के नीचे स्टॉक को होल्ड किया जा सके। तो प्लीज अंबर एंटरप्राइजेस और रेणुका शुगर दोनों में स्टॉप लॉसेस को जरूर ऑनर कीजिएगा।